जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्निकल चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और फंक्शन के टाइप के बारे में, फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप। आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मैं कैसे बर्बाद है कि आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू नहीं देता, यानी कि वो वॉइड रिटर्न करता है। तो जब हम इसमें रिटर्न टाइप लिखेंगे, क्योंकि हम एक फंक्शन को जब हम लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो हमें रिटर्न टाइप तो लिखना पड़ता है। तो फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप, तो यहां पर हम void का यूज करेंगे। अदर देन void आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो फंक्शन जब विदाउट रिटर्न टाइप की बात होती है तो आपको void लिखना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, यानी कि आप एक फंक्शन के नाम के बाद जो पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं लिखेंगे। साथ में या तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं उस पैरेंथेसिस को, या फिर उसके अंदर void लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होगा। फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट और फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप लिखने के लिए आपको मेन फंक्शन से ऊपर एक फंक्शन रिटर्न करना है। अब क्योंकि इस फंक्शन में कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर void लिखना है। फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने सम। क्योंकि फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट भी है, तो या तो आप इस सम नाम के फंक्शन के पैरेंथेसिस को खाली छोड़ सकते हैं, बात वही रहेगी, या फिर आप इसके बीच में void लिख देते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ये बता रहा है कि ये आपका जो सम नाम का फंक्शन है वो कोई भी या किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिसीव नहीं कर रहा है। तो एक ऐसा फंक्शन जो ना तो कुछ रिटर्न कर रहा है ना ही कुछ रिसीव कर रहा है। तो अगर हमें इसे यूज में लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हम मेन फंक्शन के अंदर जाकर उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं विद पैरेंथेसिस। हमने यहाँ पर एक सम नाम का फंक्शन को कॉल कर लिया। तो जैसे ही हमारे एक फंक्शन कॉल होगा तो हमारा डेफिनेशन के पास कंपाइलर जाएगा, यहाँ पर देखेगा कि हम कुछ रिटर्न तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा void है, साथ में हमारे पास आर्ग्यूमेंट भी कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ लोकल वेरिएबल ले लेते हैं। तो ए जिसके अंदर इनिशियलाइज कर देता हूँ कुछ और, बी जिसके अंदर इनिशियलाइज कर देता हूँ कुछ और। तो यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, क्योंकि जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते थे वो हमारे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ऐसा लोकल वेरिएबल काम करते थे। तो यहाँ पर तो आर्ग्यूमेंट है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर कुछ लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये ए और बी जो है वो इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल बन गए। तो ए और बी यहाँ पर बन गए। अब हम रिटर्न तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास void है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं से ही प्रिंट कर सकते हैं कि सी आउट ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ गया 60, यानी कि हमारा ये काम कर रहा है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऐसा फंक्शन जो कि ना तो कुछ रिटर्न कर रहा है ना ही कुछ रिसीव कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर उनका भला चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मेरा भला चाहते हैं तो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। अगर ये वीडियो में कहीं भी कोई डाउट है इस वीडियो से रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कुछ नॉलेज है, कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करके वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।